तो मैं कृष्ण कंडारा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स, अ फोर्स इज समथिंग विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स वो चीज है जो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सकती है। इट कॉज अ बॉडी टू स्टार्ट मूविंग इफ इट इज एट रेस्ट। अगर कोई वस्तु, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उसको फोर्स चला सकती है, और स्टॉप इट इफ इट इज इन मोशन, और उसको रोक सकती है अगर वो पहले से ही मोशन में है। इसके साथ साथ और डिफ्लेक्ट इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ ऑफ मोशन। हाँ, फोर्स किसी बॉडी को उसके इनिशियल पाथ ऑफ मोशन से डिफ्लेक्ट भी कर सकती है। बी पॉइंट में पढ़ते हैं, फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। किसी भी दो बॉडीज के बीच की इंट्रैक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडी के बीच में खिंचाव जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। टू बॉडीज कैन ऑल्सो एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर इवन विदाउट बींग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के आए भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। सी पॉइंट में पढ़ते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन। फोर्स को पढ़ने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है, इसलिए फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट है न्यूटन, एंड डायमेंशन m1 l1 t-2। डी पॉइंट, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या है, अगर एक सिंगल बॉडी के ऊपर दो या दो से अधिक फोर्स लग रही है तो उसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। व्हेन मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल बॉडी द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस f1 और f2 एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय f इज इक्वल टू अंडर द रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे बताएंगे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू f2 साइन थीटा बाय f1 प्लस f2 साइन थीटा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेमिस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ थ्री फोर्सेस f1 f2 f3 आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, अगर किसी सिंगल बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस एक साथ लग रही हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब बॉडी मूव ना करे, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम f1 बाय साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू f2 बाय साइन पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू f3 बाय साइन पाई माइनस गामा। ये पाई अल्फा, गामा और बीटा क्या है ये हम लोग नीचे डायग्राम से समझते हैं। ओरिजिन पे अगर कोई बॉडी है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है f1 f2 और f3 जो कि अल्फा बीटा और गामा एंगल पर है, तो लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक फोर्सेस के बारे में। देर आर बेसिकली फोर फोर्सेस विच आर कॉमनली अनकाउंटेड इन मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म के अंदर चार बेसिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। पहली फोर्स है वेट। वेट किसी भी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, उस खिंचाव को, उसको, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट इट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। बी पॉइंट, कॉन्टैक्ट फोर्स। वेन टू बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, दैट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी तो उनके बीच में लगने वाली फोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। पहली फोर्स है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस। मान लीजिए कोई बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, वो बॉडी अपने सरफेस के साथ कितना चिपक के रहेगी उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। बेसिकली नॉर्मल फोर्स क्या है,
कि कोई बॉडी अपने सरफेस के साथ कितना चिपक कर रहती है। इट मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्गली द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर प्रेजेंट टूगेदर प्रेस टूगेदर। दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ कितना प्रेस्ड होकर रह रहे हैं। सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जब दो बॉडीज एक दूसरे पर चलने की कोशिश करें और उनके बीच में जो ओपोजिशन की फोर्स, जो रेजिस्टेंस की फोर्स लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। इट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस एक दूसरे पर चलने की कोशिश करें और जब उनको अपोज करने वाली फोर्स, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है टेंशन। टेंशन फोर्स बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं किसी धागे, किसी स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव उत्पन्न होता है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द एंड ऑफ अ टॉन्ट स्ट्रिंग, एक कसी हुई धागे, कसे हुए रोप या चेन के कारण जो फोर्स एग्जर्ट होती है, उसको बोलते हैं टेंशन। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज सो एज टू पुल द बॉडी। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है कि वो बॉडी को खींच रही है, वाइल दैट ऑफ नॉर्मल फोर्स इज टू पुश द बॉडी। और नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है? बॉडी को दबा रही होती है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस दो तरह की थी, एक नॉर्मल फोर्स जो कि बॉडी के दबाव को बताएगी, बॉडी कितना प्रेस्ड है सरफेस के साथ, और टेंशन फोर्स कैसी है? टेंशन फोर्स है जो कि खिंचाव के बारे में बताएगी। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। एवरी स्प्रिंग रजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स लेंथ। हर स्प्रिंग क्या कोशिश करता है कि उसकी लेंथ के अंदर कोई चेंज ना हो। मोर यू अल्टर इट्स लेंथ द हार्डर इज द रजिस्ट। जितना ज़्यादा आप उसको खींचने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा वो खिंचाव में विरोध उत्पन्न करेगा। द फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ के क्या है? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मतलब है स्प्रिंग की पावर खिंचाव के विरुद्ध कितने गुना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिक लॉस ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दी थे, तो हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है वो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर चेंज ना करे। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय रिजल्टेंट फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में रहना चाहेगी जब तक उसको कोई रिजल्टेंट फोर्स अगर चेंज ना करे। एक और बात ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी काउंट करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक कोई दूसरी फोर्स आकर उसको चेंज ना करे। बी, दी लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की इनहर्ट इनएबिलिटी है जिसके कारण बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। यस, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताने वाला लॉ कौन सा है? सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम के बारे में हम लोग बात करेंगे। लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, कोई मास कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हेयर द चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, जैसे मैंने अभी बताया, अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट फोर्स। यूनिट फोर्स इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बाय यूनिटी।
वो फोर्स जो किसी बॉडी के मोमेंटम को यूनिट रेट से चेंज करे। हम इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। फोर्स हमने क्या बताया, डीपी बाय डीटी, डी बाय डीटी ऑफ एम बी, क्यों, क्योंकि पी क्या था, एम बी था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम डी वी बाय डी टी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर लिख दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, डी वी बाय डी टी क्या था, एक्सेलेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में एक्सेलेट इट आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी को एक्सेलेट कर सकती है उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करके या डायरेक्शन को चेंज करके। इफ द फोर्स इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मोशन, इट चेंज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट नॉट द डायरेक्शन। अगर फोर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल लग रही है तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती है। सो द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन। इफ द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ बॉडी, इट कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज अ सर्कुलर। इफ द फोर्स एक्ट एट एन एंगल टू द मोशन ऑफ बॉडी, इट चेंज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इन दिस केस पाथ फॉलोड बाय द बॉडी मे बी इलिप्टिकल, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, पैराबोलिक और हाइपर पैराबोलिक। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई बुक किसी टेबल पे पड़ी है तो टेबल भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है उसको ऊपर उठाने के लिए जितना कि बुक नीचे जाने के लिए फोर्स लगा रही है। बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या है, लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी के मोशन का स्ट्रेंथ है, कोई मास कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम हम लोग क्या लिख देंगे, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इट इज इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, इट्स लीनियर मोमेंटम पी इज गिवन बाय पी वेक्टर इज इक्वल टू एम डॉट वी वेक्टर। एम इज अ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वी वेक्टर। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जैसी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वैसे ही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और सीजीएस यूनिट के अंदर इसका एसआई यूनिट क्या हो जाए, सीजीएस यूनिट के अंदर इसकी लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स। इंपल्स, इंपल्स क्या है, द इंपैक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। किसी फोर्स का कितना इंपैक्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं किसी क्रॉकरी के सामान को मिट्टी के ढेर के ऊपर गिराऊं तो उसके ऊपर फोर्स का इम्पैक्ट बहुत कम होगा, और अगर उसी को कंक्रीट के किसी फ्लोर पे गिराऊं तो वो टूट जाएगा क्योंकि इम्पैक्ट ज़्यादा था। इम्पल्स के कारण ही क्रिकेटर बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेता ताकि फोर्स के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट एंड द टाइम फॉर विच द इम्पैक्ट लास्ट। ठीक है, तो इंपल्स किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई द टाइम। इट मेजर बाय द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंपैक्ट। इंपैक्ट के टाइम कितना लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ है उसके चेंज के बराबर होगा। द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन हिटिंग अ बॉल विद अ बैट, इन ड्राइविंग अ नेल इन टू अ वुडन ब्लॉक विद अ हैमर, इन फायरिंग अ गन। एन इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट बट चेंज फर्स्ट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। इम्पल्सिव फोर्स कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना है, ये चेंज होती है जीरो से मैक्सिमम की तरफ और मैक्सिमम से जीरो की तरफ। दस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इजिली द वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। इसलिए हम लोग जीरो से मैक्सिमम तक जाने के कारण और मैक्सिमम से जीरो तक आने के कारण हम इम्पल्सिव फोर्स के बारे में
उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते बिकॉज इट चेंज विद टाइम, क्योंकि टाइम के साथ चेंज होती है। इन सच केस वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, जो उस फोर्स का टोटल इफेक्ट होगा हम उसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। तो हम आई को कैसे लिखते हैं, फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाय टी, या फिर चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी के साथ फोर्स के चैप्टर के अंदर हम लोग इतनी बात करेंगे।